दृष्टि ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर के 10 प्रश्नों को बारी बारी से देखते और सुनते हैं। छात्रों, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप डिलीट करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए 89, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 46। छात्रों, भारतीय सेना ने 89 ऐप बैन कर दिए। सेना ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि बैन में शामिल सभी ऐप को तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा दें। पिछले दिनों हुई गलवान में चीनी सेना से हड़प के बाद भारत में चीनी व्यवसाय का विरोध हो रहा था। इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार ने भी टिकटॉक समेत कुल 59 चीनी ऐप को अपने यहाँ प्रतिबंधित करने जैसा बड़ा कदम उठाया। भारत सरकार ने फैसले के बाद इन ऐप को गूगल प्ले से भी हटा दिया गया है। हालांकि जिन स्मार्टफोन में ये ऐप पहले से मौजूद है उनमें से ये काम करते होंगे, इसीलिए सेना को अपने महकमे से जुड़े सभी कर्मचारियों को ऐसे सभी ऐप डिलीट करने का ताजा जारी करना पड़ा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 89 ऐप होगा। छात्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया? ऑप्शन ए विकास आनंद, ऑप्शन बी असरानी, ऑप्शन सी ओम शिवपुरी और ऑप्शन डी जगदीप। जगदीप ने साल 1951 में फिल्म अफसाना से अपनी सिने यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके जरिए दिग्गज फिल्म निर्माता बीआर चोपड़ा ने निर्देशन में कदम रखा था। जगदीप ने अभिनय के शुरुआती दिनों के बड़े छोटे सभी तरह के किरदार अदा किए थे। जगदीप ने लगभग 400 फिल्मों में काम किए, लेकिन साल 1975 में आई फिल्म शोले के सुरमों में उनके किरदार का प्रशंसन आज भी करते हैं। उनका डायलॉग "हमारा नाम सुरमा भोपाली" ऐसे ही नहीं है काफ़ी मशहूर हुआ था। उन्होंने पुराना मंदिर नाम की एक भूतिया फिल्म में भी अभिनय किया और अंदाज अपना अपना में सलमान खान के पिता का किरदार निभाया था। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी जगदीप होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी तमिलनाडु। छात्रों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में सेल्फ स्कैन नामक एक ऐप लॉन्च किया। यह ऐप राज्य के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग ने दस्तावेजों की स्कैनिंग के लिए बनाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस ऐप के जरिए डॉक्यूमेंट को आसानी से स्कैन और डिलीट किया जा सकता है। इसका डेटा किसी सर्वर में नहीं रहता बल्कि फ़ोन में ही रहता है, लिहाजा यह भी सुरक्षित है कि यह ऐप निःशुल्क है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल देंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए 2 साल 7 महीना, ऑप्शन बी 1 साल 8 महीना, ऑप्शन सी 2 साल और ऑप्शन डी 1 साल। छात्रों, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने हाल ही में घोषणा की है कि अब से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 2 वर्ष का कार्यक्रम होगा। अब तक इस डिग्री कार्यक्रम की अवधि 3 साल की थी। परिषद ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को पाठ्यक्रम की अवधि में आवश्यक संशोधन करने के लिए कहा है। परिषद ने एक आधिकारिक आदेश में कहा कि अब 2020 से 2021 से MCA पाठ्यक्रम की अवधि 2 साल होगी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष दिसंबर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि को घटाकर 2 साल करने की संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 2 साल होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शन ए जयंत कृष्णा, ऑप्शन बी राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी कमल त्यागी
और ऑप्शन डी मंगल सिंह। छात्रों, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने जयंत कृष्णो को अपना नया समूह कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इस पद पर नियुक्त होने वाले यह पहले भारतीय हैं और 3 अगस्त से अपना कार्यभार संभालेंगे। जयंत कृष्णा इससे पहले मुख्यमंत्री कौशल भारत मिशन के मुख्य अधिकारी कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय कौशल विकास नियम के मुख्य परिचालन अधिकारी और कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए जयंत कृष्णा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 5 लाख करोड़, ऑप्शन बी 2 लाख करोड़, ऑप्शन सी 1 लाख करोड़ और ऑप्शन डी 3 लाख करोड़। छात्रों, सरकार ने हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इस कोष की स्थापना उद्यमियों, स्टार्टअप, कृषि प्रौद्योगिकी उद्यमों और किसान समूहों को कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा सुविधाओं और माल के रखरखाव की स्थापना हेतु वित्तीय समर्थन देने के वास्ते किया जाएगा। कृषि अवसंरचना कोष प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए इस पैकेज की घोषणा की गई। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 1 लाख करोड़ रुपये होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूने में मौजूद आरएन वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी दिल्ली। छात्रों, इस अवधारणात्मक अध्ययन में किसी भी अतिरिक्त अभिकर्मण का उपयोग किए बिना पारंपरिक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके गैर संक्रमण आरएनए वायरस का विश्लेषण किया जाएगा। यह एक गैर विनाशकारी रासायनिक विश्लेषण तकनीकी है। यह पदार्थ की रासायनिक संरचना, अवस्था तथा बहुरूपता, क्रिस्टलीय एवं आणविक प्रतिक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। यह पदार्थ के रासायनिक बंधों के साथ प्रकाश की पारस्परिक क्रिया का आधारित है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए मुंबई होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु उनमें कितने करोड़ रुपये की पूंजी डालने को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 22,450 करोड़, ऑप्शन बी 32,450 करोड़, ऑप्शन सी 52,450 करोड़ और ऑप्शन डी 12,450 करोड़। छात्रों, कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए 12,450 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश को मंजूरी दे दी है। इनमें वित्त वर्ष 2019 से 20 में किया गया है 2,500 करोड़ रुपये का निवेश भी शामिल है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने इन कंपनियों की प्राधिकृत शेयर पूंजी को भी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 12,450 करोड़ रुपये होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी कर्नाटक। छात्रों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में बुनकर समुदाय के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम नेकर सम्मान योजना है। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 10.96 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। राज्य सरकार ने के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे। नेकर सम्मान योजना के पहले चरण में 19,744 हथकरघा बुनकरों को डायरेक्ट
बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाएगी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी कर्नाटक होगा। चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए जी आकाश, ऑप्शन बी राहुल त्यागी, ऑप्शन सी अमर सैनी और ऑप्शन डी मोहन सचदेवा। छात्रों, तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चेन्नई के इस खिलाड़ी को फाइट रेडिंग 2495 हैं। चेन्नई के इस खिलाड़ी ने पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन के विश्वेश्वरन से प्रशिक्षण लिया है। ग्रैंड मास्टर वह सर्वोच्च खिताब जीता है जिसे यह शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने करियर में प्राप्त किया जा सकता है। यह खिताब विश्व में शतरंज के सर्वोच्च शासी निकाय यानी अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रदान किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए जी आकाश होगा। इस प्रकार आपने मनोयोग से वीडियो को देखा, आप इसे याद करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ विदा चाहती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।